बताऊंगा कि आप किस तरीके से OBS स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। OBS स्टूडियो के बारे में सभी को पता होता है, जो जो लाइव स्ट्रीमर होते हैं, ब्रॉडकास्टर होते हैं, जो गेमिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, इन सबको पता होता है कि OBS स्टूडियो क्या है। बेसिकली OBS स्टूडियो जो है वो एक वीडियो रिकॉर्डर है जो आपको 100% अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग फराहम करता है। आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, ब्रॉडकास्टिंग और अपनी गेम की वीडियो कैप्चर कर और उसे लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं और उसे अपने किसी यूट्यूब के चैनल पर या किसी भी सोशल नेटवर्क पर उसे अपलोड कर सकते हैं बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन में। जिसमें यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वीडियो रिकॉर्डिंग, स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्टिंग के अंदर नंबर वन पे आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी 5-स्टार रेटिंग में एक बात और है, मैं आपको ऐड करता चलूँ कि इसमें आपको ना कोई क्रैक करना पड़ता है ना इसके लिए कुछ पे करना पड़ता है। इसके अंदर खाली ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको फैसिलिटी मिल जाती है इतने हाई रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड करने की। आप इसमें 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपको कोई वाटरमार्क नहीं मिलता, बिल्कुल फ्री है और साइज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा छोटा है। 22 MB ऑलमोस्ट का ये सॉफ्टवेयर है जिसको आप लो एंड PC पर भी बहुत अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं और अपनी लाइव स्ट्रीमिंग, ब्रॉडकास्टिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ कर सकते हैं। इस एक छोटे से सॉफ्टवेयर से आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दूंगा आपको वेबसाइट का, वीडियो में भी बताऊंगा कि आपको कहां से डाउनलोड करना है और सारी जितनी भी रिलेटेड डिटेल्स होंगी इस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड वो आपको वीडियो में पता पड़ जाएंगी। तो नए आने वाले दोस्तों से लाजमी दरख्वास्त है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर इसी तरीके की और वीडियोज चाहते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके की इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर के हैक्स वाली वीडियोस, फ्री सॉफ्टवेयर्स वाली वीडियोस और टेक्नोलॉजी की अपडेट वाली वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो लाजमी है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से OBS स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद इंस्टॉल भी करेंगे, ये भी मैं आपको बताता हूं। तो सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर ऑन माय कंप्यूटर स्क्रीन। सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैंने अपना एक ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है। आपके पास जो भी ब्राउज़र हो आप उस ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। फिर उसकी आपको एड्रेस बार में टाइप करना है OBS स्टूडियो, देन उसके बाद आपको एंटर करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा सर्चिंग के अंदर, तो आपके सामने कुछ नए रिजल्ट्स आपके शो हो जाएंगे। हम इनकी बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से जो है इसको डाउनलोड करेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस तरीके से इनकी सबसे पहले वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर नीचे डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा, अगर ना दिखे तो आप यहाँ पर वेबसाइट पर भी क्लिक कर सकते हैं, दोनों चीज़ें सेम ही हैं। यहाँ पर क्लिक करने से आपको सीधा डाउनलोडिंग प्रोसेस पर ये लेकर चले जाता, लेकिन जो मैंने आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है वो ऐसा लिंक है कि जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा डाउनलोडिंग सेक्शन पर चले जाएंगे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं आपको ये सिलेक्ट करना है। मैं विंडोज़ कर रहा हूँ, अगर आप मैक कर रहे हैं या लिनक्स कर रहे हैं तो उसे सिलेक्ट करेंगे। मैंने विंडोज़ को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर ताकि हमारा जो OBS स्टूडियो है वो विंडोज़ के लिए डाउनलोड हो सके। और इसकी प्लस पॉइंट वाली बात ये भी है कि ये तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है, मैक के लिए भी, एप्पल के लिए भी और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी। बहुत ही अच्छी बात है इसकी है। तो अभी हमारी थोड़ी सी लोडिंग होती है, उसके बाद आपको नेक्स्ट रिजल्ट शो होता है, तो मैं आपको आगे का बताता हूं। तो दोस्तों देखिए, हमने जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक किया था तो यहाँ पर हमारी डाउनलोड स्टार्ट का पॉपअप आ चुका है। यहाँ पर आप जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर इतनी जल्दी से ये डाउनलोड भी हो जाता है। तो आपको मैं ओपन फोल्डर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये आपको डाउनलोड होकर आ जाता है। तो आप इंस्टॉल किस तरीके से करेंगे ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो ये देखिए, आप सॉफ्टवेयर के आइकन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट कर इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। मेरे नेक्स्ट करने पर ये मुझे कह रहा है कि आपने इसे पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, आप इसे दोबारा डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आई होप सो कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी, सारे प्रोसेस आपने अच्छी तरीके से फॉलो किए होंगे और आपका OBS स्टूडियो भी अच्छी तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहा होगा। आई होप सो कि ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो साबित हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा लाजमी, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।